उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक नया कदम उठाया है। प्रदेश के 50 प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाई गई है, जो कि HDFC बैंक की ओर से लगाई जा रही है। भारत में इस समय कोई भी सरकार संविधान के द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती, और विशेष करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कटिबद्ध है कि कोई भी भर्ती होगी तो वो पारदर्शी होगी, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए होगी, पूरे गांव, गरीब, किसान, मजदूर के सभी बच्चे भर्ती प्रक्रिया में मौजूद होंगे, उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। हमारी 70,000 की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूर्णता पालन हुआ है। कुछ लोग या तो समझ नहीं रहे हैं या कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके कोई एक दो प्रतिनिधि, अब भीड़ में तो बात नहीं हो सकती, कोई एक दो प्रतिनिधि हमारे जिम्मेदार अधिकारियों से मिले, पूरी प्रक्रिया उनको समझाई जाएगी, वो संतुष्ट होकर जाएंगे। और इसका उद्घाटन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नरही के प्राथमिक विद्यालय में किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपने फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलें।